So once again, the Indian state has shown its pathetic attitude towards Hindu festivals and banned a centuries-old practice of burning crackers on Deepavali. Once again, Hindus have been dictated how to celebrate their own festivals. People who swallow Fevicol during festivals like Christmas, Bakrid and whatnot come out with all guns blazing on Hindu festivals like Deepavali. Oh, by the way, have you heard that now certain woke liberal Indians have started calling Deepavali as some nonsense called Jashn-e-Abha or something like that? I mean, seriously, ye log Hindu festivals ke piche haath dhoke pade. Inka bas chale to hum jo excitement dikhate the bachpan mein, hum jab bachche hua karte the tab jo ek excitement hota tha ki humko patake phodne, wo jo ek pura commercial interest hota tha, ek puri firecracker industry hai, uske bachche hain, एक पूरी सप्लाई चेन है, लाखों नौकरियां हैं, उन सब का कुछ भी सोचे बिना सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ यूनिलैटरल डिसीजन विदाउट इन साइंटिफिक बेसिस, बाय द वे इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है, बट दे विल टेक दिस डिसीजन. व्हाई? बिकॉज दे नो दैट हिंदूज विल नॉट डू अ सिंगल थिंग अबाउट दिस. दे नो कि हिंदू कुछ नहीं करेगा, हिंदू चुपचाप ये रूल मान के बैठ जाएगा. यही अगर बकरीद पे कुछ एक रूल बना देते तो पूरे देश में आग लगा दी जाती. दिस इज वेयर वी आर एज अ सोसाइटी. Now, this is something which everybody knows, but nobody has the guts to call out. है ना, आप देख सकते हो कि पराली जो हमारे beloved और respected अन्नदाता जो उसको जलाते हैं, and they have been doing it for quite some time now. They have been single-handedly giving us cancer, but किसी की मजाल है जो उन्हें कुछ बोल दिया जाए. From our beloved milords to our politicians, nobody has had the balls to say a word against these so-called अन्नदातास. Well, the Aam Aadmi Party has been the most shameless party in the history of Indian polity, but that's a separate matter. But this is something even more terrible than that. There is no scientific basis of accusing firecrackers for air pollution, but we have all the data to point towards stubble burning in Punjab. Yet, nobody wants to say a word against this nonsense because it is not politically convenient. आपका वोट बैंक है और आप उनको दुखी नहीं करना चाहते हो, इसकी वजह से आप कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, राइट? आई सिंसियरली होप दिल्ली वेक्स अप टू दिस नॉनसेंस एंड कॉल स्पेड अ स्पेड, अदरवाइज इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर एवरीथिंग इज लॉस्ट. आई मीन सीरियसली, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन हुआ है. ये पटाखे जलने तो अब शुरू होंगे दीपावली में. ये स्मॉग, ये जो एयर पॉल्यूशन के लेवल, ये जो AQI जो डेंजरस लेवल्स पे पहुंच गया दिल्ली में, ये क्या अभी हुआ है? नहीं, इसको हुए 2-3 हफ्ते हो गए. लेकिन वो क्यों हो रहा है वो सबको पता है, बट कोई उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज बोल देंगे तो फिर वो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. सो नाउ दिस इज समथिंग एवरी हिंदू नीड्स टू डू. एनफ ऑफ मॉर्ली कॉडलिंग एंड गिविंग इफेक्ट टू ऑल एंटी हिंदू सर्मन्स दैट कम आउट ऑफ द ज्यूडिशरी एंड द NGO माफिया दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द मीडिया नैरेटिव इन दिस कंट्री. एनफ ऑफ दिस. हिंदूज के ऊपर रूल्स थोपते जाओ, एंड दिस इज जस्ट लाइक द कलोनियल ब्रिटिश टाइम्स, है ना? जैसे वो इस नेटिव लैंड के जो नेटिव पीपल थे उनको सिविलाइज करने का ठेका ले रखा था, वैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ठेका ले रखा है कि हमको इनको सिविलाइज करना है. और ये मार्क्सिस्ट स्लैश लिबरल स्लैश वोक स्लैश इस्लामिस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम, आई पुट देम ऑल इन द सेम कैटेगरी. इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ही बना दिया है, बिकॉज इनको पता है कि हम लोग चुपचाप सब कुछ अच्छे से टॉलरेट करते रहते हैं. अब आई होप ये हो कि इस साल लोग ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे फोड़ें, जस्ट एज अ स्मॉल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम द टॉप डाउन पावर इन दिस कंट्री. क्योंकि ये हर बार का नाटक हो गया है, कुछ भी होता है हिंदू फेस्टिवल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं ये लोग. दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड ऑल द टाइम. Now, the data speaks for itself, but obviously nobody wants to talk about all this because that's politically incorrect. It is politically inconvenient. तो हम लोग इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे, but you can clearly see, अब ये India Today Group के data analytics team ने बनाया होगा, obviously, but you can see that there is a sharp increase in the stubble burning from October 31 to November 5 and 6. आप देख सकते हो अब यहाँ पे नवंबर 6 में ये थोड़ा सा कम हो गया है, बट जो पीक था, है ना, ये नवंबर 1 से नवंबर 6, मतलब ये जो पूरा एक वीक जो गया है इसमें ये पीक पे था. और सबको पता है कि इसकी वजह से क्या हुआ है दिल्ली में, हालत क्या हुई है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है. क्यों नहीं करना चाहता है? बिकॉज वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, वो इनकन्वीनियंट है, इसके बारे में हम कभी भी बात नहीं कर सकते.
है ना, वरना फिर अन्नदाता का अपमान हो जाएगा, संविधान की आस्था खराब हो जाएगी, संविधान की रक्षा कैसे होगी, एंड ऑल दोज वोक नॉनसेंस कम्स आउट ऑफ द वर्म होल. सो दिस इज ऑल दैट इज देयर आउट इन द पब्लिक डोमेन. ये डेटा है. अब डेटा का सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती. डेटा इज डेटा, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट पुट एनी आइडियोलॉजी ऑन इट. बट एज यूजुअल मुझे पता है कोई इसके बारे में नहीं सुनना चाहता है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता. ऐसे हर साल की तरह हिंदू फेस्टिवल्स पे कोई ना कोई रोक टोक लगा दी जाएगी, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि नहीं एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है. अरे भैया पूरे साल जो तुम व्हीकुलर पोल्यूशन जो हो रहा है, जो उसमें कार्बन एमिशन्स हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो इतना पार्टिकुलेट मैटर आप रिलीज करते हो उसका क्या हो रहा है, हाँ उसका क्या हो रहा है, ये जो स्टबल बर्निंग जो हो रही है पंजाब में उसका क्या हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है. वो सब तो ऐसे ही है, वो सब तो फेक न्यूज़ है, वो सब तो ऐसे ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड है. वो तो सब कुछ फायर क्रैकर की वजह से हो रहा है, हमको ये बताया जा रहा है कि सब कुछ फायर क्रैकर की वजह से हो रहा है. एंड दैट इज़ हाउ वी विल बी मेड अ फूल ऑफ. बस यही बोलना था विद द होप कि दो चार हिंदू लोग इस वीडियो को देखें और थोड़ा सा सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरीके से लिए जा रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. गुड बाय.